भाई लोगों, ये वीडियो जो जंगल का है, इसमें मैंने जो दिखाने की कोशिश की है वो आप लोगों के कमेंट के बाद में, बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि जो नीलगाय है वो जंगल में नहीं खुले मैदानों में या खेतों में ही रहना पसंद करती हैं। तो मैं जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद में ऊंचा सा एक स्थान देखा मैंने, जिससे लगभग जंगल कवर हो जाए, यानी पहाड़ी का टीला देखा था। उस पे गया और मैंने चारों तरफ से जंगल फिल्माया। तो अब आप देख सकते हो, ये देखो, जंगल के अंदर भी आपको कई झुंड मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना आप, इसमें कई जगह ऐसी स्थिति भी है, नीलगाय एक दूसरे से फाइट भी कर रहे हैं, दौड़ भी लगा रहे हैं इन जो गहरे गहरे नाले हैं इनके अंदर। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ऐसे जंगल के वीडियो देखने के लिए। अब आप सामने देख रहे हो, हाँ, मादा नीलगाय ये नर से अलग होती है। देखो, चार पांच छह जितने भी हैं एक दूसरे के पीछे दौड़ भी लगाते हैं, और जंगल में आप आवाज भी सुन रहे होंगे। ज्यादातर हमारे यहाँ के जंगलों में तीतरों की आवाज ज्यादा आती है या पिकॉक्स की। तो जिस एरिया से मैं फिल्मा रहा हूं वहां पिकॉक्स की आवाज शायद आपको सुनाई नहीं देगी। तो जो भाई का कमेंट था कि ये खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, हाँ, ये सत्यता है कि जंगल के तुलना में खुले एरिया में रहना पसंद करते हैं। लेकिन खुले एरिया में तभी रहते हैं जब फसल नहीं होती, और इस समय मई जून का महीना जो होता है खुला होता है, हमारे यहाँ राजस्थान में इस समय कोई फसल नहीं होती क्योंकि पानी नहीं होता, तब ये सारे के सारे खुले एरिया में आ जाते हैं। यहाँ इनको काफ़ी जानवर हैं, जैसे डॉग्स वगैरह, वो हानि भी पहुँचाते हैं, शिकार करते हैं, छोटे का हो या घायल हो। लेकिन ये देखो, जंगल में अंदर पेड़ की छांव के नीचे नीलगाय आपको दिख जाएंगे। मैं जिधर भी कैमरा घुमाऊंगा उधर आपको नीलगाय के झुंड या एक दो नीलगाय मस्ती करते हुए नजर आ जाएंगे। और ये देखो, वीडियो में एक दुर्लभ पक्षी बाज आपको नजर आ रहा होगा।